नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीलम लोगरा। सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। अभी मैं जा रही हूं मार्केट तक। तो गाइस रेडी हो चुकी हूं मैं और अब निकल रही हूं मैं। अभी चप्पल डालनी है मुझे, कैंची चप्पल ही पहनी हुई है मैंने अभी। तो चपाई पाई में दूजी पता नहीं ऊपर। आ जाओ चलो। ये हमारी भिंडी है, अभी तक लगी नहीं है, बस तैयारी ये पर है। काफ़ी दूर है हमारा घर, तो चली हुई हूँ मैं रास्ते में। अभी सड़क तक नहीं पहुँची हूँ। तो ठाकुर साहब बैठ चुके हैं बाइक पर और मैं भी बैठ जाऊंगी अभी। चलो था आगे करा कट दिया। जाएंगे हम बाइक पार्क से ले जाएंगे स्कूटी। स्कूटी का काम करवाना है थोड़ा सा, करके हम बाइक को बाहर लगाएंगे और वहां से ले जाएंगे हम स्कूटी। तो दो मोड़ आगे है मेरी स्कूटी, तो वहां से ले जाएंगे स्कूटी को। तो बाइक यहाँ लगा दी है और यहाँ से स्कूटी लेंगे। स्कूटी को साफ करते हुए तो अब हम स्कूटी पर बैठ चुके हैं और चल पड़े हैं। क्योंकि हमें स्कूटी का काम करवाना है, तो गाइस यहाँ पर जो है जाम लग चुका है। तो गाइस अभी हम टोनी देवी में पहुंच चुके हैं। ये देखें यहाँ पर जाम लग चुका है।
त्रिभुवन देवी माता मंदिर है, जय माता दी जी बोलते हैं। किन्ने जो अगे होना तिने जान दे आगे ब्राह्मण चलो तो यहाँ पर भी रोड का काम चालू है। काफी खुल गया है यहाँ से रोड। गाइस यहाँ पर LIC जमा करवानी है, मैं पहुँच चुकी हूँ भारतीय जीवन बीमा विभाग में। आप ही चले जाओ
तो खाना खा के हम आ चुके हैं वापस। हेलो, तो गाइस हमने स्कूटी यहाँ से निकाल दी है और अब हम यहाँ से चल पड़े। तो अभी जो है हम शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर जहाँ सामान लिया है अभी हमने, तो स्कूटी भेज देंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा पैदल जाना था, इसी पर थोड़ा है सामान। तो अभी तो यहाँ पर जो है हमने सामान ले लिया है और आपको जाना तो ठीक रहने दे। रख दिया सर, रख देना ही ना, इन्हें बस पीछे करा थोड़ी, पीछे आने दे, पीछे आने दे थोड़ी जी, आपू रखनी ना बस। हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है और हम यहाँ से हैं सामान लेकर और देखते हैं कितनी देर में हम घर में पहुँचेंगे। और अभी समय हो गया है 5:02 हो गए हैं, देखते हैं कितनी देर में हम घर में पहुँच देंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अभी हम इधर से चल पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर आज बंद है, तो आज हम इधर से चले हुए हैं। जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, वन साइड काफ़ी जाम लगा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हीरानगर में, ये देखें यहाँ की लोकेशन, यहाँ दरवाजे हैं, ये देखें। तो दोस्तों आप सभी ने बने रहना है हमारे साथ, देखते हैं कितनी देर में हैं। मौसम खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा हल्की हल्की बूंदाबांदी है, तो ये देखें। और सामान तो हमने दे दिया है, स्कूटी पे रखा हुआ है और मेरे पास है बाल्टी, इसमें मैंने काफ़ी डाल दिया है, बाल्टी भी मिनी निर्मा दिया ना, उसके साथ जो है बाल्टी भी मिली, तो भी बाल्टी ले ली है, इसमें मैंने पर्स डाल दिया है क्योंकि फिर पर्स लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने पर्स भी डाल दिया है। ये देखिए यहाँ का व्यू। गाइस अब हम अणु में पहुँच चुके हैं, ये देखें पहले जाते हुए का भी बनाया हुआ है मैंने, फिर भी आते हुए भी मैंने बना दिया है थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉग, जो कि हमीरपुर की हसीन वादियां हैं, बार बार जिन्हें रिकॉर्ड करने का दिल करता है, बार बार सही हमारे माध्यम से जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। तो गाइज अब हम चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ साथ ही कॉलेज है, ये देखें हमीरपुर में जो बहुत बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर दूर दराज से लोग जो आते हैं और ये कॉलेज है और साथ में ही NIT है, कुछ ही सेंटीमीटर का फर्क है, तो थोड़ी ही दूरी पर NIT है हमीरपुर में। ये देखें ये जो है NIT है यहाँ पर, ये
गाइस यहाँ पर पेट्रोल डलवाया स्कूटी में, कर्मचारी बैठे हुए हैं यहाँ पर। लाउड ये देखें अमित कुमार एक खड़े ये ज्यादा है ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी घर में और कुछ ही देर हुई, चाय वगैरह पी ली है हमने, बेटी ने चाय लाई बना के और हमने चाय पी और अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपको मैं दिखा देती हूँ हमने क्या कुछ सामान लाया है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये सामान लाया है आज, ये देखें निर्मा लाया, निर्मा के साथ बाल्टी ली, बाकी मैगी वगैरह अब बेटी ने मंगाई थी। वैसे तो मैं बहुत कम देती हूँ इसको, पर कभी कभार मन कर जाता है इसका तो बना लेती हूँ। ये पूरे महीने के लिए हो गई है इसके लिए मैगी, तो बहुत कम बनाती हूँ, दो तीन दिन बाद एक पैकेट बनता है इसके लिए। तो ये मैगी लाए हैं और ये जो है निर्मा है और निर्मा के साथ वो बाल्टी मिली है मुझे और ये छोटा मोटा सामान है। तो यही है दोस्तों, दोस्तों आपको पूरी दिनचर्या बता दी है, जो जो जहाँ जहाँ भी मैं गई सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। तो अभी घर में पहुंच चुके हैं तो चेंज वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगते हैं आपको मेरे वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है दोस्तों। और अगर मेरे आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।